जानिसार ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे दुआ के कहने पर नुशेमा दुआ को हवेली ले तो आता है, लेकिन वो परेशान होते हैं कि कहीं दुआ को यहाँ से भी मायूसी का सामना ना करना पड़े। दुआ को अम्मा सा और बाबा सा कबूल ही ना कर पाए तो फिर मैं क्या करूँगा, दुआ को मैं आखिर क्या मुँह दिखाऊँगा। लेकिन अम्मा सा दुआ को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करती हैं अपनी हवेली में और दुआ को गिफ्ट्स भी देती हैं। दुआ ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि आखिर मुझे इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। और इसी वजह से मैंने नुशेमा से कहा था कि मुझे आप हवेली ले चले, मैं अम्मा सा और बाबा सा से मिलना चाहती हूँ, आप लोग मेरी शादी में नहीं आए लेकिन मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरी और नुशेमा की शादी से खुश ज़रूर होंगे। कशमाला भी ये तमाम बातें सुन लेती है। कशमाला दुआ को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और कहती है कि तुमने मेरे नुशेमा को मुझसे छीना और अब मैं देखती हूँ कि तुम किस तरह नुशेमा के साथ अपनी ज़िंदगी बसा सकती हो। मैं अब तुम्हें और नुशेमा को अलग करके ही रहूँगी, उसके बाद ही मुझे चैन की सांस आएगी और तुम बहुत जल्द नुशेमा की ज़िंदगी से बाहर निकल जाओगी, क्योंकि नुशेमा तुम्हें खुद छोड़ देगा जब नुशेमा को तुम्हारी हकीकत मालूम होगी। तो व्यूअर्स आपको लगता है क्या कशमाला अपने इरादों में कामयाब हो पाएगी, क्या वो नुशेमा और दुआ को अलग कर पाएगी या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।